आप सब तो मैं विशाल छिकारा स्वागत करता हूं आपका जैसे कि मैंने आपको बोला था एच सी फैलसी में आपका ख़त्म हो गया है अब जो हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की हम बात करेंगे तो आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ठीक है सिंप्लीफिकेशन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है जो क्वेश्चन में आगे चल के आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे ठीक है तो पहले उन्हीं के बारे में बातें करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में जो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन आते हो किस पे आते हैं किस तरीके से आते हैं पहले उस पर हम बात करेंगे ठीक है देखिए यहाँ पर सिंपलीफिकेशन में जो पॉइंट आपको जो सबसे पहले समझना है वो है आपका बोर्ड मास रूल ठीक है इसको वी वी बोर्ड मास बोल दिया जाता है ठीक है तो एक बार उसी के बारे में जान लेते हैं कि उसमें हमें क्या पढ़ना होता है और क्या क्या हमें करना होता है ठीक है उसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है थेके? तो रूल होता है आपका वी बोर्ड मास ठीक है सिर्फ इसको मास भी बोल दिया जाता है ठीक है ये आपका क्या होता है वी बोल वी होता है आपकी एक तरीके से ब्रैकेट ही होती है वर्ना इसको ब्रैकेट बोल दिया जाता है ठीक है ये ब्रैकेट आपकी इस शेप की होती है ऐसे है। अगर दो संख्याएं आपको दे रखी हैं और उनके ऊपर इस तरीके का साइन है तो पहले उसको हमें सोल्व करना होता है ठीक है उसके बाद आपको भी पता है फिर बाकी की आपकी जो ब्रैकेट आती है वो आपकी आती है वो भी एक तरीके की ब्रैकेट ही होती है बट इसमें जो ब्रैकेट के साइन होते हैं वो इस तरीके के होते हैं ठीक है इसके बाद इससे बड़ी जो होती है वो आपकी कुछ इस तरीके की होती है ठीक है इसके बाद आपका कुछ इस तरीके की होती है तो ये ब्रैकेट आपको सोल्व करनी होती है ठीक है तो सबसे पहले ये सबसे छोटी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं उसके बाद इससे बड़ी ब्रैकेट है और वो आपकी सबसे बड़ी ब्रैकेट है उसको बिल्कुल लास्ट में सोल्व किया जाता है ठीक है उसके बाद आता है आपका ऑफ ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है गुना ही होता है तो जिनके बीच में ऑफ का साइन हो पहले उसको करना होता है एक तरीके से मल्टीप्लाई ही होता है उसके बाद क्या होता है आपका डिवाइड होता है आपको भाग करना होता है ठीक है डिवाइड मतलब भाग हो जाएगा उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है ठीक है उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है आपको मल्टीप्लाई करना है उसके बाद एडिशन एडिशन आपको वही एड करना है आपको जमा करना है उसके बाद होता है सब्सट्रेक्शन आपको घटाना है उसके बाद आपको घटाना होता है ठीक है तो ये आपको ये मतलब एक तरीके से एक सिक्वेंस है जो आपको फॉलो करना होगा सबसे पहले वर्ना ब्रैकेट होती है जिसके ऊपर ऐसे लाइन लगी रहती है वो सोल्व करनी होती है उसके बाद ये वाली ब्रैकेट होती है ये सोल्व करनी होती है उसके बाद ऑफ जिनके साथ पहले आता है उसको सोल्व करना है उसके बाद डिवाइड करना होता है फिर मल्टीप्लाई करना होता है फिर ऐड करना होता है फिर आपको सब्सट्रेक्ट करना होता है घटाना होता है ठीक है तो ये रूल आपको फॉलो करना है ठीक है तो इस तरीके से वी बोडमास रूल तो आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही जरूरी है इसके बारे में आपको बात पता होनी चाहिए इसके बाद कभी भी अगर इस तरीके से आपको वैल्यूज दे दें ऐसे एक तरीके से इसको मोड़ बोल दिया जाता है तो मोड़ से बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है अगर इसके अंदर वैल्यू आपकी नेगेटिव भी होगी तो भी बाहर आपकी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी तो ये आपको याद रखना है मान लो यहाँ पर बोल दिया जाता है माइनस का पाँच तो ये बेसिकली क्या है आपका पॉजिटिव का पाँच आएगा मोड़ से बाहर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है देखो आदत सी बन गई है बेसिकली मेरी यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलती हैं तो नीचे मेरी लाइव चैट ऑन रहती है तो मैं बार बार बच्चों के इस तरीके से मैसेज देखता हूँ तो तो वाला आ गया ठीक है उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है हमेशा याद रखना माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है आपका प्लस होता है माइनस प्लस आपका हमेशा माइनस होता है प्लस और प्लस आपका क्या होता है हमेशा प्लस होता है ये चीजें आपको याद रखना ठीक है कभी भी अगर गुना में आपकी वैल्यू आपको दे रखी है ठीक है ये मैं क्या बात कर रहा हूँ गुना में अगर माइनस और माइनस आपका गुना में होता है तो पॉजिटिव आता है एक आपका माइनस और एक पॉजिटिव अगर गुना में है तो हमेशा आपका नेगेटिव आता है दोनों पॉजिटिव हैं और मल्टीप्लाई में हमेशा आपका पॉजिटिव आता है तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है ठीक है तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा और कभी भी अगर क्वेश्चन में दो वैल्यूज हैं और दोनों वैल्यूज क्या है आपकी आपको कहीं पुट करनी है ठीक है और उनके बाहर कहीं से भी माइनस का साइन आ रहा है तो हमेशा याद रखना अगर दो वैल्यूज आपको कहीं रखनी है उसके बाहर माइनस का साइन है जहां आप रख रहे हो उनसे पहले माइनस का साइन है तो हमेशा आपको उनको ब्रैकेट में रखना है ठीक है ब्रैकेट में इन द सेंस आपको बाहर माइनस का साइन है तो जैसे ए और बी को आपको रखना है ए प्लस आपका बी तो बेसिकली होता क्या है कि जो माइनस का साइन होता है ना बाहर सबकी वैल्यू चेंज कर देता है माइनस का ए माइनस का आपका बी बन जाता है ठीक है तो कभी भी अगर इस तरीके से है आपका तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है माइनस होता है माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा माइनस और माइनस इस तरीके से अंदर के साइन पलट देता है 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 ये ये एक तरीके ये एक तरीके तरीके से से इसके इसके साथ साथ में में ठीक तो जैसे ही अंदर जाएगा ये सबके साइन को पलट देता है तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो वो हमेशा उसकी पूरी वैल्यूज को पलट देगा उनके साइन को क्या कर देगा पलट देगा तो ये चीजें आपको छोटी छोटी याद रखनी है वी बोडमास सबसे जरूरी है सिंप्लीफिकेशन के केस में वो आपको फॉलो ही करना होगा पहले वर्ना कूलर आपकी ब्रैकेट होगी फिर नॉर्मल जो आपकी ब्रैकेट है वो होगी फिर ऑफ होगा फिर डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा एडिशन होगा होगा मोड के बाहर वैल्यू जाएगी पॉजिटिव आएगी प्लस और minus और माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई में तो हमेशा प्लस होगा और माइनस और प्लस आपका मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस होगा प्लस और प्लस मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस होगा अगर दो वैल्यूज आपकी हैं और उनके बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का अगर साइन है तो इन दोनों के तो अंदर की वैल्यू

कंफ्यूजन ना हो आपकी गलती ना हो क्वेश्चन में तो ये चीज़ आपको याद रखनी है तो ये छोटी छोटी बातें हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड ठीक है तो ये आपको करनी ही करनी है ठीक है और इसके अलावा सिम्प्लीफिकेशन आप चाहे किसी लेवल का पेपर दे दो सच बताऊ तो क्वेश्चन आता ही ठीक है इसके बाद कुछ एल्जाबरा की जो कंसेप्ट है जो आपको याद रखने ये भी बड़े काम के होते हैं ठीक है एक होता है इनमें ए का स्केयर और अगर माइनस बी का स्केयर हो तो एक इसके बराबर होता है आपका ए प्लस बी और इनटू में क्या होता है आपका a b के बराबर होता है ठीक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है आपका a plus b आपका a minus b ठीक है इसके अलावा a की क्यूब b की क्यूब ये किसके बराबर होता है ये दो फार्मूला के बराबर होता है एक तो होता है आपका a minus b a² और प्लस में आपका ab और प्लस क्या होता है आपका b² होता है इसके बराबर होता है ठीक है और एक फॉर्मूला इसका क्या होता है ये होता है आपका a plus b इसका आपका सॉरी माइनस में है ना ठीक है a आपका b इसका आपका होल क्यूब होगा और प्लस में आपका 3 into में और 3ab 3ab और इंटू में क्या होता है आपका a minus b तो ये भी बड़ा काम का है इस पे भी बड़े क्वेश्चन आते हैं इस पे भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं तो सिंपलीफिकेशन के लिए आपको ये एल्जब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि मैं आगे चल के जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल डाटा को देख के आपको ये चेक करना होगा कि इनमें से क्या ये रूल फॉलो कर रहा है कर रहा तो कैसे कर रहा है और मैं इसको कैसे इजी बना सकता हूँ वैल्यूज को कैसे काट सकता हूँ इसकी हेल्प से क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन से बहुत बच सकते हो ठीक है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू जब प्रैक्टिस कराऊंगा आप समझोगे ठीक है इसके अलावा ये भी आपको फॉर्मूला पता हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए का स्केयर प्लस आपका बी का स्केयर और प्लस आपका टू ए बी होता है ठीक है इसके अलावा ए माइनस बी का जो आपका होल स्केयर है ये भी आपको पता होना चाहिए ए का स्केयर प्लस आपका बी का स्केयर माइनस का आपका टू ए बी हो सकता है ठीक है और इसके अलावा ए की क्यूब प्लस आपका बी की क्यूब इसके भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे जैसे ए प्लस आपका बी हो गया अंदर आ जाएगा आपका ए माइनस आपका ए और प्लस आपका क्या होगा बी का उसके तो एक ये बन सकता है आपका सेम उस तरीके से भी आपका बन सकता है ए प्लस आपका बी और उसके आपका क्या होगा होल क्यूब माइनस में आपका थ्री ए बी और इंटू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी ये दो फॉर्मूले आपके इसके बनेंगे ठीक है दो ही इसके बनते हैं और इसके बनते हैं तो ये सबसे जरूरी फॉर्मूलाज हैं जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा आपके यूज होते हैं तो इनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा एक दो कंसेप्ट जो सिंप्लीफिकेशन में लगता है वो सर्ड्स एंड डिस का लगता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या कंसेप्ट लगेगा छोटा सा है उसको भी एक बार समझ लो बाकी सर्ड्स जब मैं आपको कराऊंगा तो उसके सारे कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा ठीक है देखिए कभी भी अगर दो वैल्यू क्या है आपकी मल्टीप्लाई में इसकी पावर एक्स है और इसकी पावर क्या है आपका वाई है तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई के केस में सेम बेस हो और वो मल्टीप्लाई में होता है तो पावर हमेशा क्या होती है आपकी एड हो जाती है ठीक है इसी तरीके से अगर सेम बेस हो और डिवाइड में हो जैसे एक ही पावर एक्स अपॉन में आपका एक ही पावर वाई है अगर सेम बेस हो और क्या हो डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है आपकी माइनस हो जाती है तो ये भी आपको छोटा सा याद रखना है इसके अलावा बेस सेम हो और बराबर में हो जैसे एक की पावर आपका एक्स हो बराबर में एक की पावर आपका क्या हो वाई अगर बेस सेम है और इक्वल है तो पावर भी आपकी क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब एक्स बराबर आपका क्या होगा Why होगा तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज होते हैं ठीक है तो इनको याद रखना अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में है पावर एड हो जाएगी अगर बेस सेम है और है और डिवाइड में क्योंकि रेशो का जो मतलब होता है एक तरीके से डिवाइड ही है तो पावर माइनस हो जाती है अगर बेस सेम है और इक्वल में है तो पावर इक्वल हो जाती है इसके अलावा इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है जैसे एक की पावर माइनस वन है तो इसको आप वन अपोन में वन अपोन में ए भी लिख सकते हो ठीक है अगर आपके पास वन अपोन में ए है तो आप इसको ए की पावर माइनस वन भी लिख सकते हो तो ये हमेशा याद रखना कि अगर मैं उसको इनवर्स कर देता हूँ तो पावर क्या हो जाती है आपकी पॉजिटिव हो जाती है ए की पावर माइनस वन है तो वन अपोन ए हो जाता है तो ये चीज़ भी आपको छोटी सी याद रखनी पड़ेगी ठीक है इसके अलावा आपको सिम्प्लीफिकेशन का भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ठीक है सिंप्लीफिकेशन के में एक त, एक और है अगर कभी भी अगर ए का स्केर आपको दे रखा हो ठीक है मान लो का आपको सोलह दे रखा है तो मुझसे अगर कोई ये पूछे एक की वैल्यू क्या होगी तो याद रखना अगर पावर दो है ये पावर क्या होती है डिग्री होती है अगर उस वैल्यू की डिग्री दो दे रखी है तो उसके दो मान आएंगे जैसे एक की वैल्यू प्लस माइनस आपका फोर आएगी ठीक है अगर आपको ये लिखा है ना कि ए की वैल्यू आपकी क्या है रूट सोलह है तो एक की वैल्यू क्या होगी आपका चार रूट से बाहर जो वैल्यू आएगी हमेशा इकलौती वैल्यू आएगी क्योंकि इसमें पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है अगर डिग्री एक है तो रूट के बाहर एक वैल्यू आएगी अगर डिग्री दो है तो इस तरीके से आपके दो मान आते हैं तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी ठीक है समझ रहे हो बहुत सिंपल है और इस तरीके से इसको आपको करना पड़ेगा मेरे भाई ये समझ लो इस चीज को ठीक है चलो भाई आगे चलते हैं ठीक है तो ये भी आपको याद रखना डिग्री दो है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है डिग्री एक है तो आपकी नॉर्मल वैल्यू आती है ठीक है इसको थोड़ा सा अगर मैं चाहूं एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहां से ले ठीक है? जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए का स्क्वेयर जो है एक तरीके से मान लो एक के बराबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए का स्क्वेयर माइनस वन बराबर में जीरो लिख सकता हूं ठीक है मान लो कि ए का स्क्र जो है आपका वन के बराबर है तो a का में इसको वन को इस तरफ ले आऊं तो बराबर आपका जीरो फॉर्मूला मैंने बताया था x का स्क्स y का स्क्वायर अगर एक की पावर कुछ भी नहीं आप बेसिक कर दो कुछ भी नहीं सेम वही रहेगा तो मेरे पास क्या आ गया a माइनस वन आ गया और a प्लस आपका क्या आ गया वन आ गया और बराबर क्या हो गया आपका जीरो हो गया ठीक है अब देखो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में है और जीरो आ रहा है या तो ये जीरो के बराबर या जीरो के बराबर क्योंकि दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में है और जीरो के बराबर आ रहा है आपको नहीं पता ये जीरो है कि ये जीरो हाँ इतना पता लग गया दो वैल्यू है मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है तो कोई एक तो जीरो होगी ही होगी एक बार इसको जीरो के बराबर रख दो एक बार इसको जैसे ही रखोगे एक बार ए वन आ जाएगा और एक बार आपका माइनस वन आ जाएगा तो आ गई ना तो वही बात है अगर डिग्री दो होती है तो हमेशा अंडर रूट करने से जो वैल्यू आती है वो हमेशा दो आती है तो इस कंसेप्ट से आप इसको समझ लेना ठीक है तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है ठीक है तो मोटा मोटा वही है आपका कि आपको वी बोर्ड मास रूल फॉलो करना आना चाहिए उसके अलावा आपको एल्जाबरा के कुछ जो सिंपलीफिकेशन के हैं आपका ये ये मोटा मोटा यही आना चाहिए ए प्लस बी की क्यूब वो भी लिखवा देता हूँ वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो मोटा मोटा यही आपको पता होना चाहिए ठीक है और अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वो फॉर्मूला भी लिख लो आप ए प्लस बी की होल क्यूब वाला ए प्लस बी उसका जो आपका होल क्यूब होता है किसके बराबर होता है ए की क्यूब प्लस आपका बी की क्यूब प्लस में आपका थ्री ए बी और इंटू आपका ए प्लस बी ये भी आपको यूज करना आना चाहिए ठीक है इसके अलावा ए माइनस आपका बी की होल क्यूब बराबर होता है आपका ए की क्यूब माइनस आपका बी की क्यूब माइनस आपका थ्री ए बी और इंटू होता है आपका ए माइनस आपका b एक ये आपका होता है तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा जो कॉमन फैक्टर मैंने बोला था वो मैंने आपको लिखवा ही दिया था नंबर सिस्टम में कि अगर पावर ओड होती है इवन होती है तो ये फैक्टर आता है वो ओड होती है ये फैक्टर आता है अगर इवन पावर है नए बीच में नेगेटिव का साइन है तो दो दो वैल्यूज आती हैं वो आप पीछे एक बार देखना कॉमन फैक्टर वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था इसके अलावा एक और फॉर्मूला लिख लो अगर ए की पावर चार माइनस बी की पावर चार आपको दे रखी है तो ये किसके बराबर होता है ए का स्केयर माइनस आपका बी का स्केयर और इन टू होता है आप ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी भी लिख सकते हो इस वाले को और आगे का आपका सेम ही रहेगा ए का स्केयर प्लस आपका बी का स्केयर तो ये सिंप्लीफिकेशन में ये चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए ठीक है तो एक बार जल्दी से देख लो अभी क्वेश्चन कराना मैं स्टार्ट करता हूँ सिंप्लीफिकेशन है आपका पहले वी वर्ना कूलर आपकी ब्रैकेट होगी फिर आपकी ये वाली ब्रैकेट्स होंगी सबसे पहले ये सोल्व करनी है फिर ये करनी है उसके बाद सबसे बड़ी आपकी वो होगी ये हमने स्कूल में सारा पढ़ रखा है एक तरीके से बस रिविजन हमारा जरूरी है ठीक है उसके बाद आपका ऑफ होगा डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा एडिशन होगा और आपका सब्सट्रेक्शन होगा तो इस तरीके से हमें इसको करना है उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए मोड के बाहर हमेशा पावर पॉजिटिव आती है अगर मल्टीप्लाई में ठीक है गुना के केस में ठीक है गुना के समय गुना के समय बीच में गुना का साइन है आपका बीच में ये गुना का साइन है लिख देता हूँ इसको ये बीच में आपका गुना का साइन है अगर गुना का साइन है माइनस और माइनस प्लस होता है प्लस प्लस आपका क्या होता है प्लस होता है ठीक है ये आपको याद रखना है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे ही मल्टीप्लाई होगा अंदर की वैल्यूज के साइन पलट देगा माइनस होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव बन जाएगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव बन जाएगा ये आपके बेसिक से फार्मूलास हैं सिंपलीफिकेशन के लिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a की क्यूब माइनस b की क्यूब a प्लस b का ये आपका ये छोटे-छोटे आपको पता होने चाहिए बेसिकली होता क्या है इसको a का स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिख के माइनस b का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर लिख के यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाता है ठीक है एक बार इसमें लग जाता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर x y एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक बार फिर इस पे आगे लग जाता है तो फार्मूला बेसिकली वही है ओरिजिनल फार्मूला वही है वो आपका लगता है ठीक है इसके अलावा सर्ड के ये कुछ कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए और अगर डिग्री दो रहती है एक स्क्वेयर सोलह है तो की वैल्यू प्लस माइनस फोर होगा अगर ए आपका रूट सोलह के बराबर है तो हमेशा क्या होगा आपका चार आ जाएगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है इसके अलावा हमेशा याद रखना अगर मान लो आपकी रूट में कोई वैल्यू आपको दे रखे ठीक है सपोज करो यहाँ पर आपको रूट क्या दे दिया रूट आपका दे दिया तो इसको आप कभी भी सोल्व नहीं कर सकते हो मतलब आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो आपको इसको सोल्व करने के लिए इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा वन पॉइंट फोर और इस तरीके से इसमें आपको वैल्यूज लेनी पड़ेगी मैं आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा पीछे से फिर आपको सोल्व करते हुए आना पड़ेगा हमेशा अगर रूट में कोई वैल्यू दे रखी है आपको तो डेसिमल के बाद दो वैल्यूज होना जरूरी है तभी आप उसका अंडर रूट कर सकते हो अगर उसके बाद दो वैल्यूज नहीं है फिर आपको वहां पर वैल्यूज लेनी पड़ेंगी फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा एक क्वेश्चन आता है इसका जीरो आपका वन पॉइंट इकतालीस का कुछ करके है या फोर्टी वन कुछ करके या फोर फोर पॉइंट वन कुछ करके है वो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको करा दूंगा बाकी किसी भी वैल्यू का अगर अंडर रूट आपको करना है तो आप अंडर रूट उसका तभी निकाल सकते हो जब डेसिमल के बाद दो वैल्यूज होती हैं क्योंकि दो दो वैल्यूज आपका पेयर बनाती है और वो बाहर आती चली जाती है ठीक है जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ये चीज हमेशा याद रखो कि मान लो इस तरीके से आपको दे रखा है पॉइंट चार सौ आपको दे रखा है या पॉइंट चार सौ मत लो चार सो भी आपका नहीं हो पाएगा समझ रहे हो क्योंकि उसके लिए भी मैंने आपको क्या बोला है

जितनी भी डेसिमल की वैल्यू है डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज है वो हमेशा तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे ठीक है तो डेसिमल अगर अंडर रूट करते हो तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी आपका क्यूब रूट करने के बाद तो जितनी डेसिमल के बाद वैल्यू है दे रखिये उनका एक बटा तीन कर दो ठीक है और इसमें एक बटा दो करना होता है इसमें दो दो के जोड़े बनाने होते हैं उसमें तीन तीन के बनाने होते हैं ठीक है ये आपका डिफरेंस होता है आपका ठीक है अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे क्योंकि वो भी समझना जरूरी है ठीक है तो अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और ये रहा पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हमें क्या करना है ठीक है सबसे पहले है ईवेल्युएट करना है सरल करना है कि नाइन है और मोड में आपका तीन माइनस आपका पांच है इस क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आएगी आपको कि मोड कौन सा मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं इसको सोल्व कर रहा था मुझे ये तीन मोड दिख रहे थे बट इसमें मोड तीन नहीं इसमें दो ही मोड है एक तो ये मोड है ठीक है और एक ये वाला मोड है ठीक है एक ये मोड है ये वाला मोड है और एक ये वाला मोड है बीच में पांच आपका मोड नहीं है ये थोड़ा सा याद रखना ठीक है भाई ये याद रखना और अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में ठीक है ठीके? ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में है बीच का जो माइनस का पांच है वो आपके मोड में नहीं है ये चीज याद रखना ठीक है इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ होने के चांस है क्योंकि मोड में पता नहीं लग रहा कौन सी वैल्यू मोड में है और कौन सी आपकी नहीं है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें पता कैसे लगेगा कि हमें समझ में आया कि नहीं आया ठीक है चलिए भाई कौन सा रूल लगेगा एक ही रूल है जो आपका यहाँ पर काम करेगा वो है आपका बोर्ड मास रूल तो बोर्ड मास रूल पे आ जाते हैं भाई ठीक है बोर्ड मास रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है उसके बाद आपको ऑफ सोल्व करना है फिर आपको डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन करना है फिर आपको सब्सट्रेक्शन करना है अब यहाँ से सबसे पहले आप इस काम करो इस मोड को सोल्व कर लो ठीक है अगर मैं इस मोड को सोल्व करता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जैसे नो आ जाएगा ठीक है तीन में से माइनस पाँच हो गया तो आपका माइनस का दो होगा बट ऐसा कुछ नहीं है मोड के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपका दो आ गया ठीक है यहाँ से आपका माइनस पाँच आ गया ठीक है इंटो में आपका चार आ गया और डिवाइड में आपका कितना आ गया दस आ गया तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा आपका बन गया ठीक है नीचे वाले की अगर मैं बात करूंगा तो तीन पंजे आपका माइनस का पंद्रह हो गया ठीक है माइनस का आपका दो और गुना में चार है और डिवाइड में दो है तो क्या करना है सबसे पहले इसको डिवाइड करना होगा तो चार के नीचे आपका जैसे है आपका इसके नीचे आ जाएगा ये आपका यहाँ से हटेगा इसके नीचे डिवाइड में आ गया दो से आपका दो कट गया दो से आपका दो कट गया ठीक है हो गया कोई इश्यू नहीं ठीक है अब दो से जब दो कटा तो माइनस का यहाँ से कितना बच गया माइनस का पंद्रह और माइनस का आपका कितना आ गया चार आ गया तो कितना आ गया भाई साहब नीचे आपका माइनस का उन्नीस आ गया तो नीचे वाला सोल होके माइनस का उन्नीस आ गया ठीक है तो सबसे पहले ये काम मुझे करना था अब ऊपर वाले में अगर करता हूं तो क्या क्या बच गया मल्टीप्लाई बच गया नेगेटिव no, बच गया और आपका डिवाइड बच गया तो ऐसे केस में क्या करना है सबसे पहले आपको डिवाइड करना है ठीक है तो जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना ये बेसिकली इसके नीचे आ जाएगा यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा चार बटे आपका क्या हो गया दस हो गया पांच दुनिया आपका यहाँ से दस हो गया दो दुनिया आपका क्या हो गया चार हो गया नौ दुनिया अठारह हो गया अठारह में से दो गया आपका सोलह तो तो आपका सोलह और इसके नीचे पहले से बैठा हुआ है माइनस का उन्नीस तो क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस का सोलह और बटे आपका उन्नीस तो, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है तो फिर कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो वी बोर्ड मास रूल आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस होंगे तो वी बोर्ड मास रूल आपको लगाना है और ये मोड वाले क्वेश्चन कम आते हैं बट मैंने आपको बता दिया है क्योंकि काफी बच्चे समझ नहीं पाते है कि इसमें क्या कर रहे ठीक है थीके? तो सबसे पहले ध्यान रखना ये आपका जैसे माइनस का टू आ रहा था तो मोड़ के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगी प्लस का टू आ गया यहाँ पर चार था चार ही आ गया ठीक है तो और इसके बराबर बराबर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये गुना में है तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपका माइनस का सोलह बटे उन्नीस आ जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाँच है उसके बाद आपकी ब्रैकेट है माइनस चार माइनस आपका फिर आपकी ब्रैकेट है तीन माइनस फिर आपका तीन माइनस तीन और माइनस आपका क्या है ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं ठीक है जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो तीन है फिर माइनस का तीन है माइनस का आपका छह है माइनस का तीन और माइनस का छ माइनस का नो हो गया तीन में से माइनस का नो गया तो कितना आ गया माइनस का छ आ गया अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस का साइन है तो जैसे ही आएगा तो एक तरीके से क्वेश्चन बन गया ये आपका माइनस में ये ये वाली ब्रैकेट मान लो इसको आपका तीन हो गया यहां से माइनस का आपका आ गया बाहर माइनस फिर माइनस 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 आपका क्या हो गया प्लस हो गया तो आपका ये इतना हो गया ठीक है और बाहर आ गई ये वाली ब्रैकेट अब आपको किसको सोल्व करना पड़ेगा इसको सोल्व करना पड़ेगा तो यहाँ से कितना आ गया छे और तीन आपका क्या आ गया नो आ गया माइनस का नो और प्लस का आपका चार आ गया तो ये आपका पांच आ गया माइनस में ये आपका चार है और ये आपका माइनस का है माइनस नो और प्लस का आपका चार तो माइनस का आपका क्या आ गया पांच आ गया ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का पांच तो अंदर कितना बच गया आपका माइनस का पांच बच गया फिर ब्रैकेट है तो पांच और प्लस आपका पांच तो इसका मतलब दस आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या होगा दस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो ये चीज जरूर याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर सबके साइन को उसको पलट देगी ठीक है तो जब तक आप इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं इनके गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी बोर्ड मास रूल को इधर उधर किया क्वेश्चन गलत है ये कन्फर्म है ठीक है तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है माइनस चार माइनस का छः और उसका आपका स्क्वायर है माइनस का आपका थ्री है और इंटू माइनस का टू है प्लस है वो मोड में आपका सिक्स है नीचे अठारह माइनस नौ और ये आपका डिवाइड थ्री इंटू आपका फाइव देखो ये आपको दिख तो रहा होगा ना ढंग से देखो साइन आपको सही दिखने चाहिए हाँ सही दिख रहा है कि डिवाइड वाले में जो है ना इंग्लिश में जो डिवाइड है वो नाइन प्लस में थ्री दिख रहा है मुझे पर हिंदी में वो सही है ठीक है हिंदी में सही है डिवाइड ही दिख रहा है तो अगर मैं यहां से भी इस क्वेश्चन को करूं, तो सबसे पहले आपको पता है मोड के बाहर आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ठीक है इसके अलावा सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं ब्रैकेट सोल्व कर देंगे ठीक है और एक चीज हमेशा याद रखना कभी भी किसी भी ने किसी भी वैल्यू का स्केर जीरो नहीं आ सकता मान लो मैंने माइनस का दो ले दिया इसका अगर मैं स्केयर कर रहा हूँ तो आपका चार आ रहा है ठीक है एक का स्केर अगर मैं कर रहा हूँ तो आपका कितना आ रहा है एक आ रहा है ठीक है तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि किसी भी नंबर को चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसका स्केयर करने से कभी भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आएगी ठीक है दूसरी बात अगर दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ठीक है ठीके? और वो स्केर में आपको दे रखी है ठीक है जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मान लो आपको दे रखा है कि माइनस का आपका एक्स का है और प्लस में आपका क्या है वाई का स्केर है और बराबर आपका क्या है जीरो तो पॉसिबल नहीं है कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनको जोड़ने से जीरो आ जाए क्यों क्योंकि जीरो आने के लिए अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी को नेगेटिव आना जरूरी है और वो भी सेम वैल्यू में एक माइनस का पांच आ गया दूसरा प्लस का पांच आएगा कटेगा तब जीरो आएगा माइनस का चार आ गया प्लस का चार आ गया कटेगा तब जीरो आएगा तो कभी भी अगर दो वैल्यूज करके आपने जोड़ रखी हैं तो उनका सम कभी भी समझो नहीं आएगा किसी भी वैल्यू चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो स्केर करने से हमेशा पॉजिटिव आएगी ठीक है तो ये सिर्फ और सभी तभी पॉसिबल हो सकता है ये संख्या खुद में जीरो हो और ये संख्या आपकी खुद में जीरो हो क्योंकि जीरो का स्केयर प्लस जीरो का स्केर करूंगा तभी जीरो आ सकता है क्योंकि जीरो का स्क्वायर करने से ही जीरो आया होगा इसका मतलब वो संख्या खुद में क्या है जीरो है तभी पॉसिबल है कि दो वैल्यूज का स्क्वायर करके जोड़ने से आपका जीरो आ जाए वो दोनों खुद में ही ठीक है ठीके? तो ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा ठीक है क्योंकि इस इसपे मैंने देखे हैं रिसेंटली दो हजार इक्कीस बाईस में काफी क्वेश्चन आए हैं इस कंसेप्ट ठीक है अब जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ चार माइनस छह है तो आप बोलोगे सर माइनस का दो आ गया और माइनस के दो का स्केयर आप क्या करोगे आप बोलोगे सर क्योंकि माइनस का स्केयर करने से वो पॉजिटिव बन जाती है क्योंकि माइनस टू इंटू माइनस टू जो आपका जो माइनस होता है मल्टीप्लाई में होता है पॉजिटिव बन जाता है तो ऊपर तो आ गया आपका यहाँ से तो चार आ गया बट बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का चार आ गया माइनस में माइनस का तीन है और ये आपका क्या है माइनस का दो अगर मैं इसको अंदर करता हूँ तो तीन दूनी छह हो गया माइनस का बाहर माइनस का तो प्लस का छ हो गया प्लस में मोड मोड में आपका बाहर छ ही आएगा

तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्त जो आपको याद रखनी है ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है अंदर के सबके साइन पलट देगा अगर वैल्यू इस तरीके से आपको दे रखी हैं तो आपको देखो अगर आपको ज्यादा दिक्कत आए ना तो अगर डिवाइड में वैल्यू हो ना उसको उसके नीचे लिख दिया करो ठीक है उसको उसके नीचे लिख दो और फिर सोल्व कर दो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है अब जैसे इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखने में आपको मान लो दिक्कत हो रही है ठीक है कि ऐसे कैसे आपको सीधा पता है इसके नीचे आएगा तीन तीन होगा तीन पंजे पंद्रह होगा और क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें बोला है कि पांच बटे तीन इंटू आपका सात बटे इक्यावन है ऑफ सत्रह बटे पांच माइनस आपका एक बटा तीन है दो बटा नौ इंटू पांच बटे सात है ओफ अट्ठाईस बटे पांच माइनस दो बटा आपका तीन तो मैंने क्या बोला था कि जिनके बीच में ऑफ का साइन होता है सबसे पहले उसको सोल्व करना है और बेसिकली जो ऑफ का साइन होता है वो भी एक तरीके से गुना ही होती है बट ऑफ आपको ये बताता है कि पहले इन दोनों के बीच में आपको गुना कर ठीक है समझ रहे हो दोस्त तो पहले जो आपको सोल्व करना होगा इस वाली वैल्यू को आपको सोल्व करना होगा क्योंकि इनके बीच में आपका क्या है ऑफ है इनको आपको सोल्व करना होगा इनके बीच में आपका ऑफ है तो ये वाला सिस्टम आपको पहले सोल्व करना होगा ठीक है तो जैसे इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा जैसे ऊपर आ गया मेरा पांच बटे आपका तीन आ गया इन टू में सत्रह ती आपका इक्यावन ये तीन पे चला जाएगा सत्रह ती आपका इक्यावन हो गया तो ये आपका एक तरीके से सात बटे आपका तीन पंजे पंद्रह तो सात बटे आपका पंद्रह गया माइनस आपका एक बटा क्या आ गया तीन आ गया ठीक है नीचे फिर से यहाँ पर आपका दो बटा नौ आ गया ठीक है मल्टीप्लाई में यहां से इसको काट दो पांच से पांच कट गया और सात तो दो हो हो साइन हो होगा अब, हो अब उसको पहले सोल्व करना होगा क्योंकि ऑफ के बाद डिवाइड करना है डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इसको तो अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ गया आपका एक तरीके से पांच थी आपका कितना हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा तो सात बटे नौ और माइनस आपका एक बटा तीन आ गया तो ऊपर वाले को अगर मैं सोल्व करता हूँ नो एलसीएम आ गया सात तीन ती आपका नौ हो गया तो ऊपर तीन हो गया चार बटे नौ तो आपका यहाँ से बच गया अगर नीचे वाले को अगर मैं करूँ तो तो ये भाई साहब आपका आठ बटे नौ हो गया चार दुनिया आठ हो गया आठ बटे नौ और माइनस आपका दो बटे तीन हो गया यहाँ से भी नो एलसीएम आ गया आठ आ गया तीन तीन आन दुनिया आपका छ हो गया दो बटे आपका नौ आ गया ठीक है दोस्त नो से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो एक तरीके से मेरे पास क्या आ गया चार बटन नो और उसके नीचे आपका दो बटे नो आ गया ठीक है तो ये नो से आपका नो कटेगा दो दुनिया चार हो जाएगा तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा दो तो दो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ठीक है अब ऐसा नहीं है कि पहले आप इसको सोल्व कर रहे हो पहले इसको कर दिया आपने फिर आपने इसको किया फिर आपने ऐसे किया जैसे ही करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है जैसे ही आप अपनी मर्जी से चलोगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा फिर कह रहा हूं बोर्ड मास रूल आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा जब तक आप बोर्ड मास को अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एक है माइनस में माइनस पांच है माइनस आपका दो है और फिर आपका प्लस इस तरीके से आपको सोल्व करना है तो बताना है आंसर क्या आएगा ठीक है देखो भाई सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट को सोल करना होगा उसके बाद यहाँ से इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करना होगा ये अंदर है देखो ये वाली उसके बाद इस बाहर वाली को इसको आपको सोल्व करना होगा ठीक है ऐसे नहीं कि आप पहले ही वन माइनस आप पांच करके बैठ गए नहीं इसका भी सीक्वेंस होता है कि पहले कौन सी ब्रैकेट सोल्व होगी ठीक है अगर मैं यहां से बात करता हूं तो यहां से इसको सोल्व करेंगे पहले ठीक है माइनस का छह है और ये आपका क्या आ गया माइनस का पांच और माइनस का दो माइनस का सात आ गया माइनस का सात प्लस में आपका छह क्या आ गया माइनस का सात प्लस में आपका 6. तो माइनस का वन आ गया ठीक है ये हो गया आपका माइनस का वन इसके बाहर ब्रैकेट में आपका दो है तो ये हो गया आंसर टू। टू तो मतलब तो मतलब तो तो कौन देगा ये जा चुका है अब इस वाली ब्रैकेट का खोलने का टाइम आ गया तो वन माइनस आपका पांच आ गया तो माइनस फोर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा तो माइनस का चार है आपके क्वेश्चन का आंसर क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन का आंसर

इस तरीके की और इसके बाद फिर ये होती है ठीक है सबसे पहले इसको करते हैं फिर इसको करते हैं और फिर इसको करते हैं ठीक है थीके? तो ये भी सिक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा उसके बाद ऑफ आ गया फिर डिवाइड आ गया फिर मल्टीप्लाई एडिशन सबस्ट्रक्शन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है उसको मैं ठीक कर देता हूँ बेसिकली जो वैल्यू आपको दे रखी है ना ये रूट तीन की वैल्यू नहीं है ये बेसिकली रूट तेरह की वैल्यू है ठीक है ये जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ना ये रूट तेरह की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में है थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें ये आपकी रूट तेरह की वैल्यू ठीक है ये है क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही ठीक है बोला है जो रूट तेरह है वो थ्री पॉइंट आपका सिक्स जीरो फाइव के बराबर है और जो रूट एक सौ तीस ग्यारह पॉइंट चालीस के बराबर है आपको बताना है वन पॉइंट थ्री प्लस में आपका रूट तेरह सौ और प्लस में आपका जीरो पॉइंट आपका जीरो तेरह ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है बड़ा अच्छा क्वेश्चन ठीक है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एस ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है तो देखते हैं भाई कैसे करना पड़ेगा सिंपल सी बात है वही बोर्डमास रूल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा बोडमास रूल के बिना तो आप सॉरी इसमें तो बोर्ड मास नहीं होगा इसमें रूट वाला जो कंसेप्ट है वो आपको लगाना पड़ेगा जैसे यहाँ पर आपका क्या है रूट वन है और यहाँ पर आपका क्या है रूट तेरह है तो हमेशा जिसकी वैल्यू आपको दे रखी हो क्वेश्चन को आपको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है ठीक है जैसे पहले मुझे क्या दे रखा है आपको दे रखा तो इसको आप क्या लिख सकते हो तेरह बटे में दस लिख सकते हो ठीक है भाई अगला जैसे आपका क्या है ये भी रूट में ही है रूट आपका तेरह सो है इसको आप क्या लिख सकते हो तेरह इंटू सो लिख सकते हो ठीक है प्लस में ये आपको दे रखा है जैसे यहाँ से अगर मैं बात करू जीरो पॉइंट आपको जीरो वन और थ्री आपको दे रखा है ठीक है तो इसको आप एक सो तीस बटे में क्या लिख लो यहाँ से ये यह हो जाएगा आपका जैसे एक सौ तीस क्योंकि जीरो आगे वाली को तो नहीं लेंगे हम तो एक तरीके से इसको तेरह बटे ही लिख लो ठीक है तो एक तरीके से आपको क्या दे रखा है तेरह बटे में आपको हजार दे रखा है ठीक है ऐसे दे रखा है तो आपको क्या करना है मेरे भाई ये चीज हमेशा याद रखना ये रूट तेरह की वैल्यू है ठीक है तो हमेशा आपको क्या करना है जिनका मान आपको दे रखा है तो क्वेश्चन को आपको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर अब जैसे मुझे क्या दिखा मुझे यहाँ पर रूट तेरा है ठीक है बट नीचे दस आएगा अगर मैं इसको ऐसे ही सोल्व करूंगा तो नीचे रूट में दस रह जाएगा तो आप एक काम करो ना इसको दस से गुना कर दो और इसको भी दस से गुना कर दो ठीक है इसी तरीके से इसको भी दस से गुना कर दो और इसको भी दस से गुना कर दो मैंने बोला था ना रूट में जो वैल्यू है वो वो डेसिमल के बाद चार होनी चाहिए तो इस तो है, है? तो तो तभी इसका दस आ गया प्लस में रूट तेरह की वैल्यू आपकी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फाइव है तो ये हो गई आपकी जैसे थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फाइव तो इसकी आ गई और सो का आपका दस बाहर आ गया प्लस में रूट एक सौ तीस की वैल्यू वही ऊपर से तो ग्यारह पॉइंट आपका चालीस बार आ गया नीचे से आपका दस हजार है दस हजार है सौ का तो यहाँ से आपका सो बार अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो इसको एक पॉइंट में एक चार जीरो लिख सकता हूँ प्लस में ये आपका छत्तीस पॉइंट आपका जीरो पांच हो जाएगा प्लस में ये आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा ना और आपका दो तो है ही पहले और आ जाएगी जीरो पॉइंट आपका एक एक चार जीरो तो ये आपका इतना बन जाएगा ठीक है तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा याद रखना जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है आपको क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करोगी ठीक है तो इतना हो गया आपका ठीक है अब अगर मैं यहां से बात करूं तो इसको मैं जोड़ देता हूं भाई छत्तीस पॉइंट आपका जीरो फाइव आ गया यहाँ से वन पॉइंट वन फोर और आपका जीरो आ गया और यहाँ से आपका जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन वन फोर जीरो आपका इतना आ गया ठीक है तो जीरो आ गया चार आ गया पांच और चार नौ एक आपका दस आ गया यहाँ से तीन आ जाएगा सैतीस पॉइंट समथिंग आपका सैंतीस तीन सौ चार है क्वेश्चन में आइए रहा सी तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है और इस क्वेश्चन के डाटा में गड़बड़ थी ये आपको रूट तेरह की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है रूट थ्री की वैल्यू आपकी वन पॉइंट सेवन थ्री टू होता है ठीक है तो ये उसकी वैल्यू आपकी नहीं है ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना मेरे भाई अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं ठीक है चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.644 और उसका स्केयर है माइनस में 2.356 उसका आपका स्केयर है नीचे आपका जीरो पॉइंट टू एट एट है ठीक तो है सिंप्लीफाई करना है तो पूछा इसका आंसर क्या आएगा? देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ठीक है और वो कंसेप्ट क्या है कि अगर इस तरीके से वैल्यू आपको दे है तो आप लिख के देख लो कि क्या ये एक्स का स्क्वायर और माइनस का वाई का स्क्वायर है ठीक है और नीचे जो वैल्यू है ना उसको ये देखो वो या तो 99%, या तो वो x- वाई की वैल्यू होगी तो जैसे उस फॉर्मुले से एक्स माइनस वाई बन जाएगा और ऊपर आपका एक्स प्लस वाई बन जाएगा और जो नीचे वैल्यू दे रखी है ना वो आपका एक्स माइनस वाई दे रखी ठीक है यहाँ से ये कटेगा और क्वेश्चन का जो आंसर आपका बचेगा वो एक्स प्लस आपका वाई बचेगा ठीक है एक्स जैसे आपका मेरे लिए क्या है टू पॉइंट आपका सिक्स फोर फोर ये मेरे लिए एक्स है और वाई मेरे लिए क्या है जैसे टू पॉइंट थ्री फाइव सिक्स आपका ये चौदह में से छह गया आपका आठ आ गया तेरह में से पांच गया आपका आठ आ गया और पांच में से तीन गया आपका दो आ गया ठीक है पॉइंट टू एट एट है अब देख लो क्या नीचे जो आपको वैल्यू दे रखी है क्या इनका अंतर दे रखा है तो इसका मतलब ऊपर तो फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस वाई इन टू एक्स प्लस पहले से बैठा हुआ था तो तो वैल्यू दे देगा मान लो टू पॉइंट आपका सिक्स फोर फोर है यहाँ से टू पॉइंट आपका थ्री फाइव सिक्स है ठीक है चार आपका दस है पांच और चार नो और आपका एक दस हो गया छह तीन नो आपका इतना हो गया दो दो चार और एक आपका क्या हो गया पांच हो गया तो अगर हो सकता है कि कई बार क्या करेगा जैसे नीचे X plus y की वैल्यू दे देगा तो ऊपर आ जाएगा तो चेक करनी है कि ऊपर जैसे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बन गया तो कहीं उसने नीचे जो वैल्यू दे रखी है क्या वो एक्स माइनस वाई है क्या एक्स प्लस वाई है जो है उसको काट दो और जो बच गया वही आपका आंसर आ जाता तो, तो ऐसे क्वेश्चन में नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट

और नीचे आपको ए माइनस आपका बी दे रखा है अब ऊपर वाले का आपको पता ही है ये आपका ए माइनस बी और इंटो में क्या है किसका फॉर्मूला है ए प्लस आपका भी ये फॉर्मूला है और ए कितना है हमारा जैसे ए हमारा क्या है मेरे लिए जीरो पॉइंट आपका जीरो थ्री है और जो बी है वो मेरे लिए जीरो पॉइंट आपका जीरो वन है इसको जोड़ देते हैं जीरो पॉइंट आपका जीरो फोर हो गया तो A plus B basically आपका क्या है? जीरो पॉइंट आपका मतलब ठीक है हाँ तो आंसर तो तो यहाँ से आपका एक्स प्लस वाई आ गया ना तो इसका आंसर आपका पांच आया था ठीक है लिखा नहीं मैंने इसका आंसर आपका क्या आया था पांच आया था थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आंसर जो आएगा एक्स प्लस वाई आएगा ठीक है क्योंकि नीचे आपका एक्स माइनस वाई है तो इस क्वेश्चन का आंसर पांच आएगा इसको थोड़ा लिख लेना मैं शायद बताना भूल गया कि आंसर पांच आएगा पांच आएगा इसका आंसर ठीक है क्योंकि क्या बच्चा है X y और X y यही आपका ठीक है ये आपका क्या है एक्स है और ये आपका क्या है वाई है और ये क्या, क्या है आपका एक्स प्लस वाई ठीक है ठीके? तो ये आपका इतना हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ बोला है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आपका जीरो पॉइंट जीरो नाइन यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपको रूट नहीं क्योंकि अगर मैं सपोज करो कई बार क्या होता है बच्चों को यह बोल दूंगा ना रूट करना है जीरो पॉइंट नाइन का तो बच्चे उसका भी आंसर दे देते हैं जीरो पॉइंट आपका तीन बट ऐसा नहीं है बेसिकली जो रूट होता है ना मेरे भाई ये जो रूट होता है ना इसका मतलब ही क्या होता है वन बाय आपका टू होता है अगर मुझे वन बाय थ्री करना हो तो यहाँ पर थ्री लिखना पड़ता है और तब जाके वन बाय थ्री होता है बाकी अंडर रूट का मतलब होता क्या है हाफ यहाँ बेशक कुछ भी नहीं लिखा है हिडन है यहाँ पे यहाँ पे छुपा हुआ है आपका दो तो इसका मतलब हाफ होता है तो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उसका हाफ कर दो और इसका मान लो कि ये जो वैल्यू है ना इसका मतलब होता है एक बटा तीन जो भी वैल्यू है आपका डेसिमल के बाद मान लो जितने भी मान है उसका एक बटा तीन बट वो तीन तीन के जोड़े बनाती हो और ये दो दो के पेयर बनाती हो ठीक है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ सकता है क्योंकि डेसिमल के बाद दो वैल्यूज है और डेसिमल के बाद दो है तो बाहर एक आएगी अंडर रूट करने से और ये किसका है नो का है तो कितना हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट आपका थ्री तो जीरो पॉइंट थ्री आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ठीक है अगर सपोज करो कोई मुझसे ये पूछ ले ठीक ठीक है 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 अगर कोई मुझसे ऐसे पूछ ले जीरो जीरो तीन चार पांच और आपका नौ एक दो तीन ठीक है अब इसके तीन आगे अब जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा जैसे आपका यहाँ से

तो, ये किसका है? तो मुझे पता लग गया, ये जीरो पॉइंट जीरो, तो जीरो, जीरो 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 जीरो, जीरो सत्ताईस अब पूछेगा किसका है तो तीन तीन का आपको बनाना होगा डेसिमल के बाद छ है तो छ का एक बटा तीन कितना होगा दो तो आंसर आएगा आपका जीरो पॉइंट आपका जीरो थ्री ये आपका आ तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा यहां पर डेसिमल के बाद जितने मान आएंगे क्यूब रूट में उनका एक बटा कर दो और स्केर में आपको क्या कर दो उनका एक बटा दो कर दो क्योंकि स्केयर का जो स्केयर रूट होता है इसका मतलब हाफ होता है क्यूब रूट का मतलब होता है उसका वन बाय थ्री होता है तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है और क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करती है आपको क्वेश्चन करने ठीक है, है? हालांकि मैंने आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है मैक्सिम अर्थमेटिक तो मैंने आपको कंप्लीट करा ही दिया है एडवांस मैथ में भी मोटा मोटा मैंने आपको करा ही दिया है नंबर सिस्टम मैंने आपको करा दिया मैं बीच में मैंने आपको करा दिया था एच सी मैंने आपको करा दिया सिंप्लीफिकेशन में आपको करा रहा हूँ सर्ट्स एंडिसीज में आपको करा दूंगा ठीक है तो मोटा मोटा पूरा मैथ मैंने आपको करा दिया तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है विश्वास लगा लो ओवर तो नहीं रखता मैं ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करता तो जितना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आई ठीक है हालांकि आगे किसी बैच में मैं आपको मिलू ना मिलू वो बात की बात है हो सकता है मेरा कोई कोर्स और ना भी आए यहां पर आ भी भी जाए ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है बट मैंने अपनी तरफ से पूरा हंड्रेड आपको दिया है और जो आपके कोर्स का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर ही मैंने कराया ताकि कल को अगर लेवल बढ़ा भी देते हैं तो वहां तक ना पहुंचे ठीक है कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एस एस सी परी और एस एस सी सी के भी करा दिए सी एच एस एल के भी करा दिए हालांकि मैंने एम टी एस के भी करा दिए एम टी एस का जो लेवल रहता है हालांकि टेंथ लेवल का पेपर है एम टी एस का लेवल अच्छा रहता है ठीक है तो इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से पूरा हंड्रेड दिया है अगर मौका मिला आगे, आगे आपकी सेवा करने का तो एक एस एस सी परी और मेन्स के लिए एक बैच लेकर आएंगे उसमें देखना क्वेश्चन का लेवल अलग ही रखेंगे ठीक है तो फिलहाल ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये एस एस सी का uh, uh, कई बार इस को पूछ चुकी है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आप मानोगे नहीं पिछले सात आठ साल में क्वेश्चन तीन से चार बार आ चुका है परी में भी आया है और मेन्स में भी आया है एस एस सी का ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है एस एस सी का ठीक है इस क्वेश्चन को देखो क्या है बोला है जीरो पॉइंट आपका सेवन फाइव थ्री और नीचे आपका वन माइनस आपका पॉइंट सेवन फाइव और ब्रैकेट में आपका जीरो पॉइंट सेवन फाइव प्लस आपका इतना है ये दो बार आया है क्वेश्चन एक बार तो नॉर्मल ऐसा आया था एक बार तो ऐसा आया था और दूसरी बार जब आया था ना तो इस तरीके से आ गया था ठीक है अगर ऐसे आएगा तो क्वेश्चन का आंसर आपका चार आएगा अगर अंडर रूट में आएगा तो क्वेश्चन का आंसर आपका दो आएगा मैंने दोनों तरीके से बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि नॉर्मल तो मैं इसको सोल्व कर ही लूंगा उसकी जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करना है उसका आंसर चार आता है अगर ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आंसर दो आएगा क्योंकि ये बहुत बार आया है क्वेश्चन इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि इस क्वेश्चन में दो अलग अलग बार आया है और दोनों अलग अलग बार इसका आंसर भी अलग अलग आया तो इसलिए मैंने दोनों आपको आंसर बता दिए हैं अगर इसका अंडर रूट रूट पूछेगा या इसका पूछेगा तो आंसर दो होगा अगर नॉर्मल पूछेगा तो आंसर इसका क्या होगा आपका चार होगा तो ये चीज आपको समझनी ठीक है अब देखो कैसे करना है ये ये जो वैल्यू है इसके नीचे है इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मतलब क्या है आपका एक है ठीक है इसके नीचे आपका क्या है एक है तो एक काम करते हैं एल्सिम ले लेते हैं ठीक है जैसे ही, मैं एल लूंगा, जैसे ही मैंने आपका क्या है, वन आ गया आपका, इसके नीचे तो है इज तो ऐसे ही आएगा जीरो पॉइंट आपका सेवन फाइव और उसका क्या आएगा आपका क्यूब आ जाएगा प्लस में इसके साथ नहीं था ये तो इसके साथ वन था तो वन इससे नहीं काटेगा तो इसके साथ गुना में आएगा वन माइनस आपका जीरो पॉइंट आपका जैसे सेवन फाइव आ गया ठीक है इतना आ गया और इसको बाहर ऐसे बड़ी ब्रैकेट ले लो और अंदर कितना आ गया आप ध्यान से देखना जीरो तरीके से आपका ऐसा आ गया ठीक है तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन गया ठीक है अब थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए माइनस आपका भी इन टू होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस स्क्के बी और प्लस होता है आपका बी का स्क्वायर ठीक है एक फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस आपका बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस आपका भी और यहाँ से होता है आपका ए का स्क्वायर माइनस आपका ए बी और प्लस आपका बी का स्क्वायर तो ये एक फॉर्मूला होता है ठीक है तो आप थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आपको ना इस क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले की फीलिंग आई ठीक है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा तो ये वाले फॉर्मूले की आपके लिए फीलिंग सेवन फाइव अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा ए बी ठीक है प्लस में ये मेरे लिए हो जाएगा जैसे ए का स्क्वायर और प्लस में क्योंकि वन का स्क्वायर तो कुछ कर लो आपका ये तो ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है बाकी सेम वैल्यू ऊपर नीचे लिख दिए तो ए माइनस बी हो गया ये तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जीरो पॉइंट सेवन फाइव इसकी क्यूब तो एज इट इज आएगी आपके प्लस में अंदर आपका क्या फॉर्मूला बन गया ए मेरे लिए क्या हो गया जैसे अगर मैं बात करू ए मेरे लिए एक हो गया ठीक है तो इसको ए ले लो

तो ये आपका इतना आ गया ठीक है अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं क्वेश्चन को तो ये आपका जीरो पॉइंट सेवन फाइव है ये आपका प्लस का है तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे जीरो सेवन फाइव इसका आपका क्यूब आएगा प्लस में आपका एक ही क्यूब आएगा माइनस आपका जीरो पॉइंट आपका सेवन फाइव इसकी आपका क्या आएगा क्यूब और नीचे मेरे भाई क्या आ गया आपका जीरो पॉइंट आपका टू फाइव आ गया ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव ये कटेगा और जो आपका पच्चीस बटा सो है ना तो इसका सो घूम के ऊपर आएगा एक से गुना होगा सो ही रह जाएगा पच्चीस बटे आपका सो पच्चीस तो का आंसर आंसर कितना आएगा आपका चार आएगा आएगा आपका अगर कोई मुझसे इसका अंडर रूट में पूछेगा तो मेरा दो आएगा. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर कह रहा हूँ मोस्ट 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 फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इसको एस का और करते क्या है डाटा भी चेंज नहीं करते एज इट इज क्वेश्चन आता है सेम डाटा के साथ दो तीन बार इस तरीके से आया है और एक दो बार आपका अंडर अंडर रूट रूट करके आया तो दो आंसर आएगा करने से नॉर्मल आपका चार आएगा ये बनेगा आपका A की क्यूब माइनस आपका बी की क्यूब वाला इसमें जो यहाँ पर पहले वो ए हो गया अंदर क्या है ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस आपका ए का स्क्वायर तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आगे अगर ये फिर से आता है तो ये कंसेप्ट आपको लगा के इस क्वेश्चन को करना है ठीक है मेरे भाई चलिए भाई आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इस वाले फॉर्मूला को याद जरूर कर लेना भाई इसमें क्या याद करना है यहाँ माइनस का साइन है यहाँ भी माइनस का आता है अगर यहाँ माइनस होता है तो अंदर तीनों पॉजिटिव होते हैं ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन होता है तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है उल्टा होता है साइन तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ठीक है चलिए भाई आशा करता हूँ जितना मैंने आज आपको कराया समझ आया होगा नहीं आता है तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करिए मुझक बात बात आ जाएगी मैं आपको फिर सोल्व करा दूंगा या फिर उस... और तो क्या बोल सकते हैं व्हाट्सअप पे ही कांटेक्ट कर सकते हो आप ठीक है अगर वैसे ही मेरा लास्ट चल रहा है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि मैं यहाँ पर और कोर्स ना बनाऊँ तो आप इस कोर्स को अच्छे से करो पहला कोर्स था इस प्लेटफॉर्म पे बड़े दिल से बनाया है इसको बड़ी मेहनत की है इस इसपे ठीक है बहुत मेहनत की है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में भी सोल्यूशन में भी बहुत मेहनत की गई है आप इसको करो और गारंटी दे रहा हूँ भाई सिलेक्शन लेने के बाद मुझे याद जरूर करोगे ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट बाय बाय टेक केयर थैंक यू मिलेंगे अगली क्लास में बाय बाय टेक केयर